हाँ भैया, आप जो देख रहे हो ये देखो बहुत कड़ी पत्ते का पौधा है जी। और ये वैसे मैं इसे कड़ी पत्ता ही बोलती है, और वैसे हम लोग तो अपनी हिंदी भाषा में वो बोलते हैं मीठा नीम। इसे हम अपनी हिंदी भाषा में जो बोलते हैं वो मीठा नीम बोलते हैं, और वैसे जो लोग जो बोलते हैं वो कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो मैं आज ये कड़ी पत्ते के बारे में जानकारी देने चाह रहा हूँ भैया के। जैसे आप लोग घर पे अगर कड़ी पत्ता का पौधा अगर आपके घर पर लगा हुआ है, तो बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि भैया का वो पता चली का पौधा तो है और वो जरा जरा सा ही रखा पड़ा है, नहीं तो उस पर पत्तियां हैं और वो कहीं डुंड हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो देखो मैंने ये पौधा मैं इनके घर पे देखभाल करता रहता हूँ, बीच बीच में 8 में 10 में दिन। तो देखो ये भी पौधा है कड़ी पत्ते का और मैंने ही लगाया है, और देखो आप देख रहे हो कितना सुंदर और अच्छा पौधा है। तो आप अगर इस तरीका से अगर अपने घर पे चाहो तो आपके घर के में भी ऐसा पौधा बन जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ये पौधा आपके घर पे नहीं बने, क्योंकि ये तो जंगली पौधा होता है और बहुत तेजी से ग्रुप लेता है और अच्छा चलता है। मगर आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कमी क्या आती है कि लोग अपनी मिट्टी का इस्तेमाल बढ़िया नहीं करते। जो मिट्टी अगर गमले में लगा हुआ है पौधा, तो मिट्टी का इस्तेमाल बढ़िया नहीं होता, क्योंकि मिट्टी जो होती है गमले के अंदर वो बढ़िया मिट्टी अगर डालोगे आप, जान वाली मिट्टी डालोगे जैसे हम जो डालते हैं। तो आज मैं तुम्हें मिट्टी के बारे में जानकारी दूंगा, खाद और मिट्टी के बारे में, तभी पौधा आप हरा भरा बनाओगे। फिर इसकी देखभाल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये पौधा मैंने ये बनाया है तो किस तरीका से, जैसे जो काफ़ी लंबा पौधा हो गया, काफ़ी लंबा, तो जो इतने सारा लंबा हो गया पौधा, तो मैंने क्या करा, तो को यहाँ से जब मैंने देखा तो देखो ये आप देख रहे हो, तो मैंने यहाँ से ये काट दिया। देखो नीचे से ये देख रहे होगे आप, देखो ये कटा हुआ है। तो जब मैंने यहाँ से काट दिया तो ये नीचे से फूट के ग्रुप देकर आ गया। तो मैंने ये कई पौधे कई टहनी काटी, देखो आप जे भी टहनी देख रहे होगे, जे भी देख रहे होगे। तो इस तरीका से मैंने इसकी पहली बार में एक बार में छटाई कर दी, और काट के तो ये पौधा लगा बहुत बेकार हो गया। उन्हें लगा कि ये पौधा मतलब सही नहीं चलेगा, तो मैंने कहा भाई साहब आप बेचिंता रहो, पौधा आपका फूट के बिल्कुल सही होकर आएगा। जब जो पौधा फूट के और मैंने इसके अंदर जब मिट्टी और खाद दोनों बढ़िया करके मिक्स करके मिला के और ये गमला तैयार कराया है इनका, तो ये पौधा लगभग 3-4 महीने में इतना अच्छा हो गया और इतना ग्रोथ दे रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। अब पौधा देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसके पत्ते भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्योंकि हम तो देहाती लोग हैं, हम तो ज़्यादातर इस पत्ते को खाते भी ना, और सेल वाले लोग तो बहुत खाते हैं इसे। कि जैसा आपके घर पर अगर पौधा लगा हुआ है तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पौधा बिल्कुल तेज धूप में रख दो, जहाँ तेज धूप पड़ रही हो। मगर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब धूप में रख रहे हो पौधा तो इसमें पानी बराबर पड़ना चाहिए। अगर आपने पानी को अगर ये झटका दे दिया इस पौधे के लिए, तो वहीं पर ये पत्ती सिकुड़ देता है और पत्तियाँ डालने चालू हो जाता है और पेड़ डुंडा डुंडा हो जाता है। जब जब अगर फूट का आ रहा हो तो इस पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी आएगी तो पौधा तुम्हारा फिर जो बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा और बढ़िया नहीं चलेगा भैया। तो मैं जो तुम्हें आज नीम के पौधे के बारे में जो बताया है भैया, इस बात का आप जानकारी है। और जैसा आपको दिख रहा है कि जैसा आप जो टहनी देख रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा पौधा छतरा गया तो ऐसी जैसी टहनी होती है वो नीचे से निकाल देते हैं। जैसा आपको जो देख रहा है कि जैसा मैंने अभी जो टहनी देखी, तो जैसा आप जड़ पर जो टहनी है तो इसे ऐसा करके मैंने ये निकाल दी बेकार टहनी, क्योंकि ये नीचे मिल रही नहीं है गमले से, वो टहनी मैं निकाल देता हूँ। तो आपके घर पर अभी पौधा हो तो जैसे नीचे की पत्तियाँ हो तो ऐसा करके ये आप पत्तियाँ काट भी सकते हो, जैसे मैंने ये पत्ती भी काट दी। अब ये गमला बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल सफा, अब इसमें कोई गंदगी नहीं है। अब मैंने ये गमला नरा भी दिया और पानी भी दे दिया इसके अंदर। आप हम लोग जो छटाई कटाई का जो काम करते हैं पौधों का, तो लाइट होली से कम 15 दिन या 20 दिन से पहले ही चालू कर देते हैं। जब हमारी जो होली आती है उस महीने में जो फूटना चालू हो जाता है, तो हम होली से पहले छटाई करते हैं इसकी, और फिर उसके बाद में होली के बाद की बाद में फिर छटाई नहीं करते, और फिर जाड़ों में इसकी छटाई आप करना नहीं, करना उसी टाइम पर। या फिर आपको जो ग्रुप ले जाए अच्छा करके पौधा हो जाए तो बरसात में आप कोई टहनी निकल ली हो वो छांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो ज़्यादा जबर हो जाता है पौधा। तो ये पौधा इस तरह से बना हुआ है कि जिस पे बीज आया था बहुत सारा था, अब आपको कि पत्तियाँ ज़्यादा हैं और बीज तो इस पे है नहीं, तो हमने जो है इसका बीज जो है जैसे ही फूल आना चालू हुआ तो मैंने सारा फूल पहले से ही तोड़ रखा है।
क्योंकि इन्हें जो है पत्तियों की जरूरत थी, तो मैंने इसीलिए इसका जो है पहले ही फूल तोड़ दिया। तो जब फूल तोड़ देता हूँ तो फिर तो पत्तियाँ ही पत्तियाँ आंगी आंगी। और आपको अगर मान लो जैसे कोई बीज की अगर ज़रूरत है, जैसा बीज इस पर आता है होली के महीने से फूल आना चालू हो जाता है, और बरसात तक और अभी बीज लग रहे हैं बहुत सारे, तो अगर आपको अगर बीज चाहिए तो आप दो चार टहनी पे आप फूल छोड़ भी सकते हैं, और अगर बीज नहीं चाहिए तो आप जैसे ही फूल आए तो उस फूल को हमेशा ऐसा करके तोड़ दो, बस तोड़ते चले जाओ सारी टहनियों पे से। जब फूल टूट जाएगा तो वहीं से फिर पत्तियां देनी चालू हो जाएगा, और पौधा भी आपको सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भैया, मैं एक जानकारी और दे रहा हूँ आपको इसके कड़ी पत्ते के बारे में। जैसा आपको हरा भरा बढ़िया खाद देनी है तो कौन सी देनी है, तो देखो मैंने ये खाद बना रखी है जे वाली, तो ये मैंने क्या करा है कि इसमें जो है इतनी वाली जो ली है जो सरसों की खली है जे वाली आप देख रहे हो, तो जो मैंने रात को तो इसमें गिलास में डाल दी फूलने के लिए, जब सुबह उठा तो मैंने फिर इसको जिसमें घुल गई तो मैंने ऐसा करके ये घोल दिया, ऐसा करके ये घुली हुई है। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि हमें जितनी वो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं, तो हम जो है इसमें जो है जो सरसों की खली थोड़ी सी इस तरह से डाल देते हैं। भैया देखो इस गमले में मैंने जो डाल दी भैया देखो इस तरह से। अब हम दूसरी जो खाद डालते हैं तो हर आठवें दिन या दसवें दिन थोड़ी सी घूर की गली हुई खाद होती है, बिल्कुल गली हुई प्योर वाली ठंडी होती है बिल्कुल, तो थोड़ी सी ऐसे नराई गुड़ाई करी हमने और इतनी सी खाद ली और गमले में डाल दी, और इतना जो पानी हमने आपको सरसों का ये दिखाया ही है जो एक गिलास भर के डाल दिया, फिर आपका पौधा भी ग्रुप देगा और पौधे में कोई बीमारी भी ज्यादा ना लगेगी और पौधा भी आपका सुरक्षित रहेगा। भैया अब मैं भैया जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अब मैं जो कड़ी पत्ता तुम्हें लगा के दिखाऊंगा एक गमले में का आपको लगाना किस तरीका से है। भैया बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ पौधे को लगाने का भी जानकारी नहीं होती है बहुत से पौधे को, तो मैं आज तुम्हें एक कड़ी पत्ते का पौधा गमले में लगा के दिखाऊंगा कि देखो मैं किस तरीके से लगाता हूँ। भैया हाँ भैया, मैं जो आपको बता रहा हूँ तो आपको पौधे को मैं जो जानकारी दे रहा हूँ भैया, पौधे को लगाने का जानकारी दे रहा हूँ मैं, क्यों कि अगर पौधा लोग बाग ले तो जाते हैं मगर उन्हें लगाने का तरीका याद नहीं है, तो मैं आज को आज वीडियो में बता रहा हूँ कि पौधे को लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो देखो ये गमला है मेरे पास लगभग करीब में 12 इंची का गमला है जे, तो अगर छोटा पौधा हो तो आप 8 इंची के गमले में भी लगा सकते हो, और अगर बड़ा पौधा हो तो मतलब 12 से ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे 15 इंची है 18 इंची है 20 इंची तक के गमले में नीम का पौधा जो है बढ़िया चलता है कड़ी पत्ते का। तो देखो इस तरीके से ऐसे मैं लगाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि भैया देखो इस तरह से इसमें छेद है, इस गमले में जो है इस तरीका से छेद है, क्योंकि अगर इतने सारे अगर छेद नहीं होंगे तो पौधा फिर बढ़िया नहीं चलता और जो मुझे मालूम है। तो भैया देखो इस तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ये है ये मेरे पास गुठली है जे वाली, तो मैं इस तरीका से इनके अंदर छेद के अंदर डालूंगा इस तरह से, ये मैंने देखो भैया डाल दी। अब मैंने जो हल्की हल्की छेद से ये थोड़ी थोड़ी गुट्टी बंद कर दी है। अब जो मेरे पास देख रहे हैं आप जो मिट्टी है जो है रेतीली मिट्टी, आप जो वाली मिट्टी देख रहे हो बिल्कुल प्योर रेतली मिट्टी है जे, इसमें कोई वो नहीं है जो खेत वाली मिट्टी है, रेती की मिट्टी है जे। तो मैंने ये पहली बात तो रेती की मिट्टी अपने इन पर घर पर ये इकट्ठी कर ली है 4-6 कट्टे, तो मिट्टी जो है हम पहले से ही तैयार करके लगाते हैं। अब हमने ये मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली, तो भैया ये रेतीली मिट्टी है और मोटी मिट्टी में पौधा बढ़िया नहीं चलता है, मिट्टी जो है रेतीली होनी चाहिए तभी पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। तो ये रेती की मिट्टी में मैं क्या करूँगा भैया, देखो ये मेरे पास खाद है, देखो ये वाली आप देख रहे हो, ये आप खाद देख रहे हो, ये प्योर घूर की गली हुई खाद है और इसमें कोई भी केमिकल या कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधी खाद और आधी मिट्टी मिला लेते हैं इस रेते में, जैसे जो रेतली मिट्टी है तो आधी हमने जो इस खाद मिला ली इसमें ऐसे करके। अब जो हम बढ़िया तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे करके कि जो मिक्स हमने कर ली, तो भैया इस तरह से जो हमने एक मिट्टी बना ली गमले की बढ़िया करके, अगर मिट्टी आपकी अगर बढ़िया करके अगर गमले के अंदर बन गई तो पौधा, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और कह वैसा तो नहीं हूँ, मैं जो काम करता हूँ वही तजर्बा आपको बता रहा हूँ भैया, क्योंकि पेड़ पौधे का काम में मतलब 15-16 साल 20 साल से मैं गिरी गोल्ड नर्सरी कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं करता हूँ वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया। तो देखो मेरा जो तरीका है ये है मेरा कड़ी पत्ते का पौधा,
अभी नर्सरी से ही लेकर आए हम लोग, तो इनके घर पर मैं लगाने आया हूँ भैया। तो मैं तुम्हें आज लगा कर दिखा रहा हूँ इनके घर पर। तो देखो इस तरह से मैंने पहले तो इसमें ये छेदन पे गिट्टी रख ली है, अब मैं इसमें देखो ये खाद मिट्टी दोनों मिला ली। अब मैं इस तरह से देखो ये भरूंगा गमला, इस तरह से जो मैंने गमला भर लिया भैया देखो इस तरह से। अब आपको ये देखना है कि जैसे मैंने ये मिट्टी इतनी भर ली, ये देखो मैंने ये गमले में मिट्टी भर ली, तो आपको ये देखना है कि पौधे को मैं कितने ऊपर और कितने नीचे रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पौधा ले आए तो कम मिट्टी डाली और पौधा नीचे रख दिया तड़े पे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गमले में अगर मिट्टी डालो तो पौधे का हिसाब देख लो कि हमें गमले में कितनी ऊपर रखना है कितनी नीचे रखना है, इस बात का आपको प्योर ध्यान रखना है। तो देखो मैंने ये पौधे के साइज के हिसाब से ही मतलब मिट्टी डाली है इसमें, तो इतनी नीचे पर रखना है। अब मैं इतनी मिट्टी डालूंगा इसके अंदर तो ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया हो जाएगा। देखो मैं आपके सामने मिट्टी डाल कर दिखा रहा हूँ भैया, इस तरह से मैंने ये गमला तैयार करा है भैया मीठे नीम वाला। भैया जो गमला मैंने बिल्कुल तैयार करके इनका फिट कर दिया, अब इसमें बस पानी पानी पलना है, बस पानी पलकर और इसे धूप में रखना है पौधे के लिए। तो मैं इसे उठाकर रखूंगा तो इसे प्योर धूप में रखूंगा, कोई दिक्कत ना आएगी। क्यों कि ये थैली का पौधा है, अगर जमीन का पौधा हम लाते हैं जैसा खूब बड़ा बड़ा ले आते हैं 4 फीट 3 फीट, तो वो पौधा जो अगर हम जमीन से खंदा कर लाते हैं मिट्टी से, तो वो पौधा अगर हम गमले में डालते हैं तो वो रखते हैं हम कम से कम 8 दिन छाँव में, और अगर थैली का पौधा लाते हैं तो वो तुरंत अगर धूप में रख देते हैं तो वो पौधा डॉन नहीं होता है। तो जो है हमारा ये छोटे हाइट का पौधा है, लगभग करीब में 1 ही फिट का पौधा है जी, और बहुत से लोग लगाते हैं 2-2 3-3 फिट के पौधे, तो वो पौधा जो हम लगाते हैं गमले में तो वो इस तरीका से लगाते हैं जैसे एक बार मिट्टी से निकाल दिया जमीन से, फिर वो पौधा हमने एक बाल्टी में लगा दिया। कुकू कहते हैं लोग का हमें तो एकदम से ही पौधा बड़ा चाहिए, तो वो तरीका हमारा एक अलग है। तो वो पौधा आपको ठंड में रखना पड़ेगा कम से कम 8 दिन, जब 8 दिन के बाद में वो सेट हो जाएगा फिर आप धूप में कर दोगे, और जे डायरेक्ट धूप में रखना पड़ेगा। अभी बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस समय मैंने जो गमला भर दिया तो इसमें फुल करके पानी लगाना है, बिल्कुल फुल, और फुल पानी के बाद में कम से कम लगभग अगर ज़्यादा तेज धूप हो रही हो, अगर गमला सूख जाए तो पानी डालना ही डालना पड़ेगा, ना तो एक बार अगर मैं पानी भर दूंगा तो लगभग जिसमें 4 दिन तक तो नमी नमी बननी बननी है, फिर उसके बाद में इसमें नमी सूख जाए जब भी पानी डालना है। ये नहीं है कि तुम तुरंत अगर नमी ना सूखी फिर कल कोई पानी डाल दो तो पौधा फिर ये बेकार होना चालू हो जाएगा। पानी का इतना ध्यान रखना है कि अगर कम से कम एक बार अगर इस गमले में मैंने पानी डाल दिया तो कम से कम 2 या 3 दिन के बीच में इसे ये देखो जी मिट्टी इतनी खुशक हो गई या नहीं हो गई। अगर मिट्टी खुशक है तो पानी डालो हल्का, और मिट्टी अगर नमी है तो फिर पानी आप बिल्कुल भी मत डालो, तभी पौधा किल्ली देकर और साफ सुथरा होकर चल कर आएगा बिल्कुल 100%। इस प्रकार से ये पौधा मैंने आपको लगा कर दिखाया, अगर ये पौधा जैसे ही अगर चालू हो जाए और ये किल्लियाँ देनी बिल्कुल चालू कर दे 15 दिन में या 20 दिन में या महीना भर में मान के चलो जैसे भी किल्ली देगा, तो आप अगर जैसे चाहो कि ये पौधा मतलब मुझे घना करना है तो आपको इस तरह से अगर ये किल्ली देकर आएगा, देखो ये दिख रहा है, तो आपको ये किल्ली यहाँ से हल्की सी नोचनी पड़ेगी, हल्की नोच दो बस, फिर वो ऊपर को नहीं बढ़ेगा, नीचे से ही घना होना तुरंत से ही चालू हो जाएगा। जब लोग क्या करते हैं जब इतना लंबा लंबा हो जाता है तो कहा हमारा तो लंबा ही लंबा पौधा जा रहा है और वो घना ही ना हो रहा, तो घना छोटे ही पौधे से आप बिल्कुल काटोगे भी नहीं, वो छोटे से ही ग्रुप देना चालू हो जाएगा। जैसे ही इस पर किल्लियाँ निकला हल्की हल्की तो हल्की हल्की नोच दो ऊपर से, और सेड वाली किल्ली बिल्कुल मत नोचना, जो सेड से निकलेंगी इसके वो किल्ली मत नोचना, ऊपर वाली किल्ली नोचना अगर आपको घना पौधा करना है।